हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल आईटीबीपी से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए एंड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए टेंथ ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड आईटीआई टी होल्डर्स जिन्होंने आई किया हुआ हो हु। एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है आप सभी जानते हैं आईटीबीपी की वैकेंसी या जो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस या सी में जब भी वैकेंसीज आती हैं ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं सो so इसमें भी आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट कितनी है सिलेक्शन प्रोसीजर ये सारे हम नोटिफिकेशन से क्लियर करते हैं सो so, अभी आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं आईटीबीपी की तरफ से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल एंड कॉन्स्टेबल पोस्ट ओके सो मेल इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी नॉन गेटेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी आप सभी जानते हैं ये इस तरह की जो वैकेंसी रिलीज होती है नोटिफिकेशन आता है उसमें टेम्प्रेरी बेसिस लिखा जाता है लेकिन लकीली टू बी परमानेंट भी इसमें आपको मेंशन किया जाता है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन टेम्परेरी बेसिस लकली टू बी परमानेंट तो इस तरह की जो भर्तियां रहती हैं ये परमानेंट ही रहती हैं ओके सो ऑनलाइन मोड से आपको इसमें अप्लाई करना होगा उन्तीस अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट सत्ताइस नवम्बर रहेगी 29 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंडियन मेल सिटीज मेल कैंडिडेट ओके चलिए अब यहां पर हम वैकेंसी देखेंगे तो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए टोटल 58 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड ई डब्ल्यू एस एसटी सभी के लिए है कांस्टेबल के लिए भी 128 टोटल वैकेंसी है अनरिजर्व्ड ई डब्ल्यू एस ओवीसी सभी के लिए रखी गई है इसके बाद सैलरी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए जो सैलरी है लेवल फोर से रहेगी पच्चीस हजार पांच सौ से इक्यासी हजार सो सेवन सीपीसी से सैलरी रहेगी इक्कीस हजार सात सौ से उनहत्तर हजार सो सेवन सीपीसी से नेक्स्ट अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे तो हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एज एटीन मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव अठारह से पच्चीस साल एज होनी चाहिए दोनों ही पोस्ट के लिए अट्ठारह से पच्चीस साल एज लिमिट होनी चाहिए हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए इसमें ट्वेल्थ पास मांगा है साथ में आपके पास मोटर मैनिक मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपने आई किया हो विथ थ्री ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर थ्री ईयर का आपने डिप्लोमा भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टेबल के लिए टेंथ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आई आई जिन्होंने किया हुआ हो ओके एंड थ्री ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है सो कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन तो इसमें कट ऑफ डेट आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 27 नवंबर वो आपकी यहाँ पर कट ऑफ डेट रहेगी एलिजिबिलिटी एज लिमिट आपकी लास्ट डेट यानी 27 नवंबर के बेस पर काउंट किए जाएंगे रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा एस सी को फाइव इयर्स का ओबीसी को थ्री इयर्स का एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व के लिए थ्री इयर्स का एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए सिक्स एंड एक्स सर्विसमैन एस सी के लिए एट ईयर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी यहाँ पर दिया गया है सो so आप जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर फिजिकल uh, स्टैंडर्ड में फॉर ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए चेस्ट 80 टू 85 सेंटीमीटर फोर जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं गोरखास डोरखास मराठास कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज हाइट रखी गई है आसाम हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर जॉन से अगर आप हैं तो आपके लिए एक सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड चेस्ट सेवेंटी टू एटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम या त्रिपुरा अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए 77 टू 82 टू चेस्ट होना चाहिए ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी एसटी जो कैंडिडेट हैं फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देन आपको यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस टी अदर देन नॉर्थन स्टेट नॉर्थन स्टेट के अलावा अदर स्टेट से एस टी कैंडिडेट है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए बेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर दिया गया है आई साइट डिस्टेंस विजन छाई 6 एंड 6 बाई नो फोर वॉत आईज करेक्शन विदाउट वियरिंग स्पेक्ट और लेंसेज ओके सो इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा विजुअल एक्विटी यहाँ पर नियर रिजन दिया गया है पूरा टेस्ट यहाँ पर मेडिकल आपका किस तरह से रहेगा वो यहाँ पर दिया गया है कलर रीजन वगैरह वो देख लीजिएगा हाउ टू अप्लाई सो रिक्रूटमेंट डॉट डब्ल्यू 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 डॉट रिक्रूटमेंट डॉट आई टी बी पुलिस डॉट एन आई सी डॉट इन ये ऑफिसियल वेबसाइट है इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी रीड कर सकेंगे एंड अप्लाई भी आप कर सकेंगे ओके सो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस तो कैंडिडेट जो अनरिजर्व है ओबीसी है और ई कैंडिडेट है उनके लिए हंड्रेड रुपीज एप्लीकेशन फीस है एस सी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी एप्लीकेशन फीस माफ है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट मैंने बता दी है आज से उन्तीस अक्टूबर से स्टार्ट है लास्ट डेट सत्ताइस नवंबर रहेगी सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका होगा फेज फर्स्ट जिसमें होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो हाइट वगैरह हमने देख ली है यहाँ पर आपकी रनिंग भी रहेगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी साढ़े सात मिनट में आपको करनी होगी लॉन्ग जंप ग्यारह फीट रहेंगे हाई जंप साढ़े तीन फीट रहेगा तीन तीन चांस आपको जंप में लॉन्ग जंप हाई जंप में दिए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमने देख लिया है उसके बाद आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन भी फेज जो सेकंड रहेगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा आपका यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो मार्कशीट वगैरह रहेगी उसके बाद यहां पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा हंड्रेड मार्क्स का होगा एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर जनरल जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश ट्रेड रिलेटेड थ्योरी से क्वेश्चंस किए जाएंगे टोटल 60 uh, 60 60 यानी 100 100 टोटल क्वेश्चन मार्क्स आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे आवर्स का इसमें टाइमिंग दिया जाएगा ट्वेल्थ लेवल का रहेगा और कॉन्स्टेबल के लिए टेंथ स्टैंडर्ड का जो है एग्जाम वो रहेगा क्वालिफाई करने के लिए अनिजर्व और ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए थर्टी फाइव परसेंट जरूरी है और एससी एस टी ओबीसी कैंडिडेट के लिए थर्टी थ्री परसेंट जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह लिखा गया है व्हीकल इंस्पेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स तो इसका भी आपका फिफ्टी मार्क्स रहेगा उसके बाद मेरिट तैयार की जाएगी और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इस इसमें बताया गया है ज़रा इंट्रक्श इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं अप्लाई करने से पहले इसको रीड कर लीजिएगा ओके सो फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल हो तो ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन आप रीड जरूर कीजिएगा थैंक यू